हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र कांग्रेस के 25 विधायकों ने दिखाए बागी तेवर, सोनिया गांधी से मांगा मिलने का समय। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार चल रही है। उद्धव ठाकरे सरकार के मुखिया हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से तीनों दलों के बीच तकरार की खबरें लगातार आती रही हैं। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कम से कम 25 कांग्रेस विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ ही शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। उनका आरोप है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनकी चिंताओं का जवाब नहीं दे रहे हैं। विधायकों ने एक पत्र में सोनिया गांधी से चीज़ों को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। कुछ विधायकों ने कहा है कि MVA में मंत्री, विशेष रूप से कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में काम को लागू करने के अनुरोधों की अनदेखी करते हैं तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। पार्टी में समन्वय की कमी का संकेत देते हुए विधायकों ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह ही पता चला कि कांग्रेस के प्रत्येक मंत्री को उनके मुद्दों को उचित रूप से संबोधित करने के लिए पार्टी के 3 विधायकों को सौंपा गया था। एक अन्य कांग्रेस विधायक ने कहा, हमें तब पता चला जब HK पाटिल ने हाल ही में एक बैठक की थी कि कांग्रेस मंत्रियों को 3-3 विधायक आवंटित किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से MVA सरकार बनने के कुछ महीने बाद किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में केवल 2.5 साल पहले ही पता चला। अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के अन्य विधायकों ने कहा कि पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पिछड़ गई क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नियमित रूप से राकांपा विधायकों से मिलते हैं, धन आवंटित करते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं। कांग्रेस के एक अन्य विधायक ने कहा, राकांपा हम पर हमला कर रही है, राकांपा मंत्रालय को अधिक धन आवंटित किया जाता। अगर चीजें समान रहती हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस अन्य राज्यों की तरह हाशिए पर चली जाएगी। विधायकों ने कहा कि पंजाब में पार्टी की हार के बाद तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी महाराष्ट्र में बेकार रहती है तो इसी तरह के परिणाम हो सकते हैं। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।